बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की चौथी किताब का आज तीसरा सबक, ज़िंदगी और कुदरत। आज ये सबक पढ़ना सीखेंगे, तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए, ज़िंदगी नंबर तीन क्या है? ज़िंदगी और कुदरत। कुदरत उसकी ज़िंदगी यानी अल्लाह ताला की के लिए यकीन करना चाहिए कि ना उसे मांदगी होती है ना नींद आती है ना उस में कोई कसूर वाक़े होता है ना गफलत और ना उस को फना है ना मौत। उस की कुदरत के वास्ते यकीन रखना चाहिए कि वो जाबिर और काहिर है, मुल्क व मलकूत और इज्जत व जबरूत का मालिक है, सल्तनत गलबा पैदा करना और हुक्म देना सब उसी के लिए है, ज़मीन आसमान और सारी मखलूक उस के काबू में है, नई और ऐसी चीज का पैदा करना जिस की मिसाल पहले नहीं उसी के इख्तियार में है, उस के लगे का कोई और नहीं, मखलूक के रिस्क और मौत का अंदाज़ा उसी ने मुकर्रर फरमाया है, कोई चीज़ उस के कब्ज़े से बाहर नहीं, मखलूक के कामों का रद्दो बदल उसी की ताकत में है, उस की कुदरत का इहाता नहीं हो सकता और ना उसकी मालूमात की कोई इंतहा है।